नमस्कार सभी को, जयशंकर। बढ़ते चोरी के आंकड़े बड़ी ब्राह्मणा इलाके में लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हूं, जहां पर चोरी की घटना पेश आई है। दिन दहाड़े ही इसी जगह से, जहां पर मोटरसाइकिल खड़ा है, इसी जगह पे एक मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोर ले जाते हैं। उनकी CCTV भी फुटेज जो है सामने आई है, वो भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। फिलहाल स्थिति है जहाँ पर चोरी की घटना पेश आई है। इसी जगह पे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, सामने ही घर है, और इसी जगह से चोरी की बड़ी वारदात पेश आई है। CCTV मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देखेंगे किस तरीके से चोर जो है ले जाते हुए नजर आएगा। आप देख रहे हैं, ये देखेंगे, ये पुल है और पुल से ले जाते हुए चोर जो है आपको नजर आएंगे। और जिस तरीके से चोरी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं चोरी को लेकर। ये देखेंगे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल किस तरीके से चोर जो है आपको ले जाते हुए नजर आएगा, वो भी CCTV में सब कुछ दिख रहा होगा। ये देखेंगे, ये सामने ही सामने आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से चोर जो है ये जा रहा है मोटरसाइकिल को लेकर। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, चोर को पहचाने, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कौन सी जगह का रहने वाला है। इस समय देखेंगे ये चोर किस तरीके से इस मोटरसाइकिल को ले जाते हुए नजर आ रहा है, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है जिस तरीके से चोरी की घटनाएं आए दिन जो है देखने को मिलती है। देखेंगे चोर जो है ले जा रहा है, और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जहाँ से पूरी घटना पेश आई है। मैं लोकल लोगों से बात करूँगा जहाँ का ये मोटरसाइकिल है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा अश्विनी कुमार नाम है जी। इस जगह की लोकेशन क्या क्या नाम है सर? सर ये बड़ी ब्राह्मणा ध्यान सर है सर। अच्छा, वार्ड नंबर क्या? वार्ड नंबर आठ। ठीक, क्या कब चोरी हुई, कब पता लगा सर? सर कोई 2 बजे मैंने बच्चे को लेकर आया, इधर बाइक लगाई, तो उसके बाद मैंने अंदर चले गया, सो गया सर जी। तो कोई 1 घंटे के बाद मैंने देखा तो बाइक इधर थी नहीं। अच्छा, तो सर फिर बाद में हमने वीडियो निकाली जी, CCTV सर, उसमें देखा कोई हमारी बाइक लेकर जा रहा है। यही चोर है जो लेकर जा रहा है? हाँ सर, यही बाइक है मेरी, और आगे भी कैमरा हमने निकाला, उधर भी देखा मेरी बाइक थी ये वाली। पुलिस स्टेशन में करवाइए कम्प्लेन आप। हाँ जी सर, करवाइए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप? सर कंप्लेन तो करवाइए, बोल रहे हैं हम एक्शन लेते हैं। पहली बार यहाँ घटना हुई, आगे भी कभी हो चुका? सर पहले भी चोरी हुई है हमारे घर में, पैसे निकाल के ले गए, दो फोन चोरी हुए। ले जा रहा था। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसु देवी। अच्छा बंसु जी, क्या बात हुई यहाँ पर? सर हम तो सोए थे जी, हमें कोई पता नहीं, मैं तो बीमार थी जी, मैं लेटी थी, और 2:08 पर अच्छा इधर देखा तो बाइक है ही नहीं, तो ये सारे हल्ला मच गया इधर, तो फिर हमें उधर कैमरा निकाला तो उधर से पता चला कि इधर से लेकर जा रहा है, और हमें तो कुछ पता नहीं, सोए थे हम, बीमार पड़े हैं तो इसलिए हम सो गए, नहीं तो हम इधर चक्कर लगाते रहते हैं गली में, तो सब पता चलता था, तो कल तो हम सो गए, कुछ पता नहीं चला। ये सामने आपका ही घर है? ये हमारा ही घर है। अच्छा, पुलिस के पास से क्या अपील करोगे आप, जिस तरीके से यहाँ चोरी हुई है, पुलिस से क्या अपील करोगे? सर हमें क्या करना है, यही तो बोला है बस। मोटरसाइकिल कौन सा था ब्रदर? सर मोटरसाइकिल स्प्लेंडर था। नंबर क्या मोटरसाइकिल का? JK02J6612। आपका नंबर है कॉन्टेक्ट, जो किसी को जानकारी मिलती है तो आपको मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी, क्या नंबर है आपका? सर मेरा नंबर है 9503-72997। और इसी जगह पे लगाया था? हाँ सर, यही लगाया था यहाँ पे। देखेंगे जी, यहाँ पर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लगाया हुआ था जो यहाँ पर, आप भी सर यहाँ के जिस तरीके से चोरी की घटना पेश आ रही, तो उसमें सर लोकल हो? नहीं, लोकल हो? अच्छा, इतने की आ गए वहाँ, कदू चोरी हुई थी? कल्ला जी हुई थी। अच्छा, पहले भी चोरियाँ होती थी? पहले भी वही। अच्छा, पहले भी वही। उनकी अपील करके पुलिस को ला जी, यहाँ चोरी हुई है थे। अपील के करना, अपील ये करना भी चीज साड़ी मिलनी चाहिए वापस। अच्छा, देखेंगे जी, ये ध्यान सर इलाका है वार्ड नंबर 8 का, और इसी जगह पे बड़ी चोरी को जो है चोरों ने अंजाम
दिया है, जहां पर एक बाइक है, यहां पर एक मोटरसाइकिल कल लगा हुआ था और दिन दहाड़े ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल इसी जगह से इसी स्थान से चोरी हुआ है। सामने ही इनके घर हैं, सामने जो भी घर इनका ही है, परिवार के ही सदस्य जो आपके समक्ष जेके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ के ही हैं। और जिस तरीके से बढ़ता हुआ क्राइम बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं चोरों को लेकर। यह ध्यान सर वार्ड नंबर 8 इलाके का पूरा वाकया है, जहाँ पर CCTV आपने देखा होगा किस तरीके से चोर जो है शरेआम जो है दिन दहाड़े आते हैं, मोटरसाइकिल जो यहाँ पर खड़ा हुआ पाते हैं उसे लेकर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। CCTV मैंने आपके समक्ष रखा है और मैं बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से भी यही अपील करूँगा कि आप नींद से जागे, जो आप कुंभकर्ण की नींद पर सोए हुए हैं उससे आप जागे, क्योंकि बढ़ता क्राइम बड़ी ब्राह्मणा इलाके में काफ़ी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। कल की ये घटना है, कल यहां पर चोरी हुई है दिन दहाड़े, और कल की ही एक घटना है जो कि मंडी बड़ी ब्राह्मणा बाजार से एक और मोटरसाइकिल जो है चोरी हुआ है। मैं उनके समक्ष भी रिपोर्टिंग करूंगा, वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं। फिलहाल दो जगह पे कल जो है चोरी हुई है दिन दहाड़े ही, और चोर देखेंगे किस तरीके से निशाना बना रहे हैं। ये सामने ही गली जाती है, सामने ही जो आपने विजुअल देखा होगा यहीं से ही आगे पुल है, पुल से राइट टर्न करते हुए चोर जो है ले जाते हुए नजर आए हैं। और मैं पुलिस से एक बार फिर से अपील करूंगा चोरों को पकड़े, ताकि आम जनता जो इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में बाइक्स या गाड़ी बाहर लगाना सेफ ही नहीं है, चोरों का डर सता रहा होता है कि कब आएंगे चोर और बड़ा क्राइम को अंजाम देकर भाग जाएंगे। लोग इतने डर रहे हैं क्राइमर से, ऐसे चोरों से, तो पुलिस से यही अपील है पकड़े चोरों को और आश्वासन दिलाएं कि पुलिस व्यवस्था की नाम कोई चीज़ होती है, क्योंकि अब जिस तरीके से घटनाएं पेश आ रहे हैं लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पुलिस से भी और चोरों से। पुलिस पकड़े और जनता को ये विश्वास दिलाए कि चोरों को हम जरूर पकड़ेंगे और आम लोग जो है परेशान ना हो, हम अच्छे से कानूनी कार्रवाई करेंगे ऐसे चोरों पर। कम से कम जनता को ये विश्वास दिलाना इस समय जरूरी आवश्यकता है, जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इलाके में बढ़ता हुआ क्राइम आपको नजर आ रहा है, रोजाना ही बाइक से गाड़ी जो है चोरी होती हुई नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। जयशंकर।